मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जन प्रतिनिधि और राज्य कर्मचारी दो ऐसे वर्ग हैं जिन पर जनता की सेवा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जिस तरह इन दोनों वर्गों ने 4.5 साल में सरकार में रहते हुए जनता का विश्वास जीता है, यह क्रम इसी तरह आगे भी जारी रहा तो राजस्थान को देश का अव्वल राज्य बनाने से कोई नहीं रोक सकता। राजे सोमवार को 8 सिविल लाइन पर आभार व्यक्त करने आए बड़ी संख्या में आए प्रबोधकों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों से जनता को बड़ी उम्मीदें होती हैं। आप उन पर खरा उतरे और उनका विश्वास जीते, जनता को एहसास हो कि आप और हम उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में हुए काम को पूरा देश सराह रहा है। यह सब आप जैसे शिक्षकों के सहयोग से ही संभव है। आगे भी हमें राजस्थान को इसी तरह आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने प्रबोधकों का आह्वान किया कि आप प्रदेश के बच्चों को इतना होनहार बनाओ कि इस प्रदेश को तरक्की की राह पर बढ़ाते रहो। मैंने कहा वाकई में आज पूरा देश इस चीज को मानता है कि शिक्षण के अंदर राजस्थान ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया है, और उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम के अंदर आप सबका हाथ। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि आपका हमारा एक लंबा रास्ता रहा है। राजीव महर्षि जी के टाइम से लेके लड़खड़ाते भटकते चलते चलाते अपन यहाँ तक पहुंचे हैं, और मैं समझती हूँ कि आप इतना पक्का काम हो गया है कि आप लोगों को अब इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। परंतु जैसे उन्होंने कहा, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, आगे राजस्थान को किस तरीके से हम इसी रास्ते पे रख पाएंगे वो संकल्प आज आप लोगों को लेना है। मैं आप लोग सबसे चाहती हूं कि हमारी लड़कियां जिनको आज हमने इतने आगे पहुंचाने का काम किया है, आज हमारा एजुकेशन जो इतने हाइट पे पहुंचा है वो अब नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाते रहेगा।